वर्ष में इतिहास रचा जा चुका है। पेट्रोल 100 रुपए पहुंचने वाला है और सिलेंडर 750 पार हो चुका है। लेकिन खबरदार, अगर किसी ने महंगाई को डायन कहा तो राष्ट्रवादी युग में महंगाई डायन नहीं, डार्लिंग है। ये महंगाई राष्ट्र को समर्पित है। अभी आते समय मेरे सपोर्टर एक भगवा भाई साहब ने कहा कि अगर किसी को भारत महंगा लगता है तो वो भारत छोड़कर पाकिस्तान चला जाए। तो नमस्कार, मैं प्रज्ञा मिश्रा भारत देश से इस राष्ट्रवादी महंगाई पर लोगों से उसके गुण दोष जानने आई हूँ। लोगों से बात करेंगे, आइए मेरे साथ। बाबा, डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर, प्याज, आटा, सब महंगा हो गया है। कैसी लग रही है देश की तरक्की भैया? देश की तरक्की कहाँ हो रही है? देश की तरक्की तो होती तेल महंगा, ऑयल महंगा, पेट्रोल महंगा, सरसों का तेल महंगा, आटा महंगा, चावल महंगा, हर चीज तो महंगा ही है। सस्ता क्या है? कुछ नहीं ना। लेकिन कहा जा रहा है कि भाई महंगाई है तो क्या हुआ, राष्ट्र को समर्पित है, इस महंगाई से आप लोगों को क्या क्या दिक्कत हो रही है बाबा? सब यही दिक्कतें हो रही। आटा महंगा खरीदना पड़ता है, चावल महंगा खरीदना पड़ता है, सिलेंडर 950-900 रुपए खरीदना पड़ता है, और डीजल 80 रुपए लीटर खरीदना पड़ता है, पेट्रोल 85 रुपए खरीदना पड़ता है। अब यही सब चीज़ें महंगाई में परेशानी तो है। 2 रुपए कमाते हैं, 2.5 रुपए खर्चा आता है, कैसे काम चलेगा? लोग कह रहे हैं बहुत महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई कि जनता त्राही त्राही कर रही। आपको क्या लगता है हुई कि नहीं हुई? इसमें किसका दोष है? सवाल पूछ रहे हैं आप, बताइए। इसमें पब्लिक का ही दोष है। इसमें पब्लिक का ही दोष है। जनता की गलती क्यों है? जनता के जिसको अब जो बड़े लोग हैं ये क्या करते हैं कि मार्केट वगैरह हम गए? सरकार की कोई गलती है कि नहीं? नहीं, सरकार क्या गलती है? पेट्रोल डीजल भैया बहुत महंगा हो गया, 750 रुपया सिलेंडर हो गया, 50-60 रुपया प्याज हो गया। बिल्कुल हुआ नहीं हुआ? कोई नई बात है क्या? ये खाते हो भैया? नई बात है क्या? नहीं खाते हो प्याज? नहीं, हम ब्राह्मण, हम प्याज नहीं खाते हैं। नेताजी तो भाग गए। महंगाई हुई कि नहीं हुई? नहीं, महंगाई तो समय के साथ से बढ़ती घटती रहती है, उसका कोई नहीं रीजन। पहले भी महंगाई थी, आज भी महंगाई। तो जनता ने आपको चुना क्यों? सिलेंडर जब सर पे रख कर तांडव होता था सड़कों पर कि भैया महंगा हो गया, अब क्या कहिए भैया? आज भी होगा, आगे भी होगा, तांडव करेंगे। जो भाई जिनको नौटंकी करना है वो तो करेंगे। पहले तो भाजपा वाले ऐसे सर पे सिलेंडर रख के कहते थे कांग्रेस ने महंगाई कर दी भैया, क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा वाले कभी नहीं ऐसा कहते थे। भाजपा कहती है कि अंत्योदय यानी कि अंतिम पायदान पर पहुंचा व्यक्ति तक विकास पहुंचेगा। सरकार सत्ता में आने से पहले कहती थी भैया महंगाई नहीं होगी, अब इतनी महंगाई हो गई कि लोग कह रहे हैं अंतिम पायदान तो छोड़ो, मध्यम पायदान तक नहीं पहुँच पा रहा। 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में कितने करोड़ लोग पेट्रोल और डीजल? महंगाई है? पेट्रोल नहीं, महंगाई कहीं नहीं है। महंगाई कहीं नहीं। आपने ये पहले देखने का प्रयास किया कभी 70 सालों में? अरे 70 साल तभी तो आप यहाँ बैठे हैं। नहीं, अगर 70 साल की बात करेंगे तो आप 70 साल पीछे जाइए, जनता ने आपको फिर क्यों चुना? आप छोड़िए उसे, अपनी बात करें। साढ़े सात बात करेंगे कि नहीं करेंगे? साढ़े सात कांग्रेस के अलावा कोई और बात कीजिए। किडनी बेच कर पेट्रोल खरीदने के लिए कहा जाए तो खरीद लेंगे, देश हित में 2 किडनी काम आ जाएगी। दो बार क्या कह रहे हैं? पड़ोस के देश में देख लीजिए कितने का सिलेंडर है और कै रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है। खाना बनाने पड़ोस के मुल्क जाते हैं कि खुद के घर में बनाते? मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करता हूँ, प्रज्ञा जी आपकी पत्रकारिता को सलाम करता हूँ। और बीजेपी का मतलब है भाड़ में जाए पब्लिक। पब्लिक है नेता जी? ये है बीजेपी की गवर्नमेंट, गोरे अंग्रेज चले गए मैडम, वो अपनी औलादें छोड़ गए। असली भारत गांव में बसता है, शहरों में नहीं बसता। तो कह रहे महंगाई हुई नहीं भाई। अरे इन्हें क्या पता, ये धन्ना सेठ लोग हैं भैया, ये पार्टी धन्ना सेठ लोगों की है, ये पूंजीपतियों की बात करती है। और नहीं, देखिए राष्ट्रहित के लिए इतना अगर महंगाई सहना पड़े, क्या राष्ट्रहित की बात क्या कर रहे हैं मैडम? इतिहास उठा के देखिए, ये क्या जाने राष्ट्रहित? राष्ट्रहित उनसे पूछे जो सीमा पे कुर्बान हो रहे हैं और खेतों में अपनी जबानी खपा दे रहे हैं। हम पैसे वाला व्यक्ति जो है, मान लीजिए लोकल स्टेशनों से आता था, सर्विस करने आता था, डॉक्टर वो अपना इलाज कराने आता था, पढ़ने आता था, वो आप 90 रुपए दे करके 100 रुपए दे करके उसको कानपुर उन्नाव से यहाँ आना पड़ रहा है। ट्रेन की सुविधा नहीं है उसके पास, स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं स्पेशल लोगों के लिए। अब बताइए कि जो सिलेंडर महंगा हुआ क्या?
750-750 रुपए सिलेंडर, 800 रुपए हो गया। कह रहे महंगा नहीं है, कह रहे महंगाई कहाँ है, तो कहाँ है बताइए। 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो जो है प्याज, अभी 60 रुपए जो है बिक रहा है, ये गरीब लोग 2007 में पेट्रोल की कीमत 40 रुपए थी, 43 रुपए समथिंग थी, डीजल की कीमत थी 36 रुपए। ये आए थे विकास के मुद्दे पे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख सिलेंडर सर पे रख लिए थे, सिलेंडर रखे थे, वही तो बोल रहा हूँ। सिलेंडर हम बताओ 800 रुपए का, 1.9 करोड़ लोगों को सिलेंडर दे दिया, उनसे दोबारा पूछे, दोबारा वो भरवा पाए कि नहीं भरवा पाए। डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर सब कुछ दिन दुनी रात चौगनी महंगा होता जा रहा है, देश की तरक्की देख कर कैसा लग रहा है? Modi ji is on the leadership and there is no doubt in his leadership. He is doing all the things very good. बढ़िया, बढ़ने दीजिए। बढ़िया, बढ़ने दीजिए। ये महंगाई राष्ट्र को समर्पित है, लेकिन सवाल ये है कि अगर किडनी बेचकर आपसे पेट्रोल खरीदने के लिए कहा जाए तो क्या खरीदेंगे सर? थोड़ा बहुत तो हिट होता ही है, बट अगर आप थोड़ा बहुत तो हिट रहता है, ठीक है, देखा जाएगा। अच्छा, वो थोड़ा बहुत जो हिट है वो आम आदमी को, गरीब आदमी को कैसे हिट करता होगा? आप लोग नेता देखिए, जनता यहाँ खड़ी, अगर नेता जनता के सवाल का जवाब नहीं देगी तो फिर क्या है? मैडम आपका नाम क्या है? अनीता श्रीवास्तव, एडवोकेट, बीजेपी प्रत्याशी, पूर्व रायबरेली। आप तो खुद अपने घर का बजट भी बनाती होंगी, तो यहाँ जनता का जो बजट बिगड़ा जा रहा है वो आपकी नजर में क्या है? 70 साल में विकास के नाम पे विनाश किया था कांग्रेस ने, उसको जो 70 साल का गड्ढे को जो पाटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है 70 साल में जो बर्बाद किया। महंगाई की बात ना करें मैडम, महंगाई की बात मत करिए, विकास की बात। विकास की परिभाषा पूछ लीजिए मैडम, जरा प्लीज, सिर्फ विकास की परिभाषा पूछ लीजिए। जनता आपसे पूछ रही है। ये तो सरकार को बदनाम करने की साजिश है, ये सुनियोजित तरीके से लोगों ने भेजा होगा इन लोगों को। किसान आतंकवादी लग सकते हैं, किसान खालिस्तानी लग सकते हैं, तो आम आदमी भी घूस से लाए हुए लोग लग सकते हैं, लेकिन छोड़िए मैडम, यही जनता आपको वोट देकर जिताती है, जब जीत जाते हैं तो आप इनको कह देती है कि ये किराए पर लाए हुए लोग हैं, पर कोई बात नहीं। थोड़ी दिक्कत आती है ना। जनता को रोटी नहीं मिलेगी तो विकास कैसे अंधा हो जाएगा? गैस सिलेंडर गरीबों को फ्री, गरीबों को फ्री भी, फ्री बात करिए, गरीबों को फ्री भी बांटा गया, उसकी बात करिए। 750 का क्या मैडम? 750 रुपए का, 750 रुपए कौन बहुत ज्यादा है भाई? विकास होगा तो थोड़ी दिक्कत। विकास का मैं कहना चाहूंगा, आज 10 साल राज कर लिया उत्तर प्रदेश शासन में भारतीय जनता पार्टी ने, आज तक कितने विकास कराए हैं? मुझे एक काम गेंदबाजी दीजिए आपका, उत्तर प्रदेश में आप नहीं कर गया 70 साल, जिसने राज किया तो उससे सवाल पूछा था क्या आपने? महंगाई पर जनता बात करे आपसे कि नहीं? महंगाई पे बात करे, लेकिन महंगाई जब विकास होगा तो थोड़ी बहुत महंगाई होगी, जनसंख्या बढ़ रही है, हमने मजदूरी भी बढ़ाया, मनरेगा की जो टैक्स देती है उसका क्या? मजदूरी नहीं, मजदूरी लॉकडाउन में लाखों लोग गलत, टैक्स का क्या नहीं? कौन सा टैक्स? जनता टैक्स देती है तो वो जनता को विकास उससे मिलता है। हाँ टैक्स देती है, नहीं 50-60 हो गया, ये तो सिग्नल ही, कभी सस्ता होता कभी महंगा होता, प्याज कोई महंगाई नहीं है, कभी 10 रुपए में बिकता, जब कभी 10 रुपए में बिकता है, 50 रुपए में, 50 रुपए में आलू बिक रहा था, जब 50 रुपए में आलू बिक रहा था तो कोई नहीं चला, ठीक है 10 रुपए में बिक रहा है, कोई आवाज देता कि महंगाई है, आलू 50 रुपए नहीं 10 रुपए में तो भाई कोई नहीं कहता सस्ता हो गया, आलू का है 50 रुपए, 10 रुपए के जी का हर जगह, मेरे कहा आलू तो अभी नहीं मिल रहा है, कहीं भी 50 तक है, कहीं नहीं मिल रहा है, 50 तक मिल रहा है, आप हर चीज मैडम इसमें 450 रुपए किलो, मंडी में 10 रुपए के जी, 10 रुपए के जी, कितना लेना चाहो ले लो, गलत नहीं। अच्छा सुनो, 10 रुपए किडनी बेचकर तेल खरीद लोगे? किडनी बेचकर, ये तो विरोधी हो, नहीं ये विरोधी हो की देन है, ये विरोधी कहीं महंगाई साजिश, विरोधियों की साजिश है, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है जनता कह रही बहुत महंगाई हो गई, ये सब सुनियोजित तरीके से भेजे गए हैं, ये सब भेजे गए हैं आज की महंगाई, जनता कह रही बहुत महंगाई, नहीं बिल्कुल जनता कह रही है, जनता ये नहीं देख पा रही है कि गरीबों को कितने आवास दिए गए, जनता ये नहीं देख पा रही है कि कोटेदारी में जो राशन कोरोना काल में पूरा मुफ्त में सरकार ने बंटवाया वो नहीं देख पा रही है। प्याज खाना, सिलेंडर यूज करना छोड़ दे, नहीं जो लोग झूठ बोलने में बहुत आगे रहते हैं बीजेपी वाले, बेकार में बदनाम कर रहे हैं, रुक जाइए, बदनाम कर
कर रहे हैं, महंगाई तो है नहीं, बताइए। नहीं बिल्कुल ये झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे, ये बात सच है, ये बात सच है। कोई विकास नहीं किया, जो अखिलेश भैया का विकास था उसी पे। राजनीति पे आ गए आप, विकास हुआ भैया कि नहीं हुआ बताओ, महंगाई है कि नहीं पहले बताओ, सरकारी आदमी है ये, भैया महंगाई है कि नहीं बताओ। नहीं मैडम महंगाई तो है, महंगाई है, लेकिन विकास भी सुनिए, विकास तो हुआ, विकास की बात तो हम कर ही रहे हैं भैया, विकास की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन सिलेंडर सिलेंडर 750 हो गया, आपको इस बात का गर्व है कि दुख है मैडम? देखिए गर्व है कि दुख है, गर्व है भैया, महंगाई है कि नहीं है? बहुत ज्यादा महंगाई है, मैं अच्छा मैं चाहता हूँ बोलूंगा तो अंदर हो जाऊंगा मैं, नहीं नहीं डरो मत, ना डरो मत, हम है भैया, अरे अंदर हो जाऊंगा मैडम, खड़ी है, मुझे ना बुलाइए मैडम, कह रही है कि भैया महंगाई नहीं हुई है, आप लोग सब सुने, महंगाई है, अगर ज्यादा बोलेंगे तो अंदर देशद्रोही हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे, महंगाई झेलेंगे। तो आज हमारे साथ नेता भी थे, जनता भी थी, राष्ट्र हित की जो महंगाई है उसके गुण और दोष जनता से जानने निकले थे, नेताओं ने कहा कि महंगाई बिल्कुल नहीं है, आम जनता ने कहा कि महंगाई इतनी बढ़ गई कि भैया जिए नहीं पा रहे। फिर मिलेंगे आपसे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कटिंग चाय।